गुड मॉर्निंग। हम लोग बोर मॉडल की सहायता से हाइड्रोजन के रेखिल स्पेक्ट्रम को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अधीन मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर समझा दिया था कि जब सेंटर में न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये क्लास हाई क्लास N2, ये लोअर क्लास N1। जब इलेक्ट्रॉन हाई क्लास से लो क्लास में जंप करता है तो वह विकिरणों के रूप में, फोटोनों के रूप में अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसको लास्ट लेक्चर में, और हमने सीखा था कि उत्सर्जित होने वाले फोटॉन्स की जो एनर्जी होगी H𝛎, वो इक्वल हो जाएगी En2 माइनस En1 के। किसके? En2 माइनस En1 के। ये हमारा लास्ट लेक्चर हो गया था। अब हम उससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं एक बार। अब देखिए, अब En का मान, एनर्जी का मान अगर आपको याद हो तो एनर्जी का मान हमने ऊर्जा वाले टॉपिक में पढ़ा था 2π² mk² z² e4 अपॉन N²h²। अगर आप देखेंगे पिछले टॉपिक में, ऊर्जा वाले टॉपिक के अंदर, तो आपको नियतांकों के रूप में En का यही मान मिलेगा। अब हमें मान चाहिए En1 और En2 के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर N1 का मान चाहिए तो N के स्थान पर N1 कर दो, और En2 का मान चाहिए तो N के स्थान पर N2 कर दो। सिंपल, ठीक है। अब इन En2 और एक माइनस चिन्ह आता है इसमें आगे। अब इस En2 और En1 के मान हम समीकरण एक में रिप्लेस करेंगे। तो देखो एक बार, ये वैल्यू थी En1 की, ठीक है, और दूसरी वैल्यू ये हो गई किसकी? En2 की। मतलब कुल मिलाकर के हमें N की जगह एक में N1 करना है और एक में N2 करना है। तो पहले क्योंकि En2 आ रहा है तो यहाँ पर N2 आ गया, और इस अगले वाले में N1 यहाँ पर आ गया। बीच में माइनस साइन है। अब देखो, माइनस और माइनस, दोनों माइनस, ये दो माइनस जब गुणा होंगे तो अगले स्टेप में प्लस आ रहा है क्या? यस, अगले स्टेप में प्लस आ रहा है, बाकी स्टेप सेम है। आप उसे नेक्स्ट स्टेप में आइए तो जो दोनों टर्म्स हमारे पास आ रही हैं, उन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, इन दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? जो भी कॉमन आ रहा है हमने उसको यहाँ बाहर निकाल लिया। फिर इस वाले पद से N1² बचेगा और इस वाले पद से -N2² बचेगा। दोनों बचा करके हमने इक्वेशन नंबर 2 उसको डाल दिया, ठीक है। अब आप जरा देखिए गौर से इसको। अब एक नया अजम्पशन माना है इसने, 2π²mk², इसमें जेड नहीं आएगा, ये जेड स्क्वायर नहीं आएगा, लिख दिया गलती से इसने, इसको हटा लीजिए, सॉरी यहां नहीं, जो मानने वाला स्टेप है ना, इस जगह यहां पर जेड स्क्वायर नहीं आएगा, ध्यान रखना इसको, सही कर लेना इसको कॉपी में, जेड स्क्वायर यहां पर नहीं आएगा। तो हमने 2π²mk²e4 अपॉन H² के स्थान पर क्या लिख दिया? R', क्या लिख दिया? R'। इन सब कॉन्स्टेंट्स की जगह हमने क्या मान लिया? R'। जेड स्क्वायर इसमें नहीं आएगा, इसने गलती से लिख दिया है, आप उसे हटा लें। अब ये मान, ये जो R' माना है, इसको ऊपर रिप्लेस करें समीकरण 2 में, तो क्या आएगा बताओ? H𝛎बराबर R', जेड स्क्वायर हमने नहीं माना था, तो ये बचा हुआ जेड स्क्वायर ऐसे कैसे नीचे आ गया इसमें, और अंदर क्या मिला? 1/N1² - 1/N2² यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ये इक्वेशन यहां तक, ठीक है। अब देखो, हमें ये तो आवृत्ति के रूप में आ गया, हमें अब निकालना होगा वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्ध्य के रूप में। किसके रूप में? तरंग दैर्ध्य के रूप में। बहुत सिंपल है, उसके लिए हम क्या करेंगे, याद कीजिए, न्यू बराबर C/λ होता है क्या? यस। तो हम क्या करेंगे, न्यू के रिप्लेस में, न्यू के स्थान पर अगले स्टेप में
क्या रखेंगे, सी अपॉन लैम्बडा। तो क्या आएगा बोलो, एच सी अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर डैश जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। ये वाला पद ऐसे के ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सिर्फ न्यू की जगह सी अपॉन लैम्बडा किया है, क्लियर है ये बात? यस yes. अगले स्टेप को देखें आप, तो अगले स्टेप में आप देखिए आर डैश जेड स्क्वायर यहाँ आ गया, एच सी जो है ये एच सी, इस एच सी को उतार दिया नीचे और लिखा आर डैश के नीचे उसको, तो अब क्या बच गया, अब बच गया वन अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर डैश अपॉन एच सी जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है ये, इक्वेशन नंबर तीन इसको हमने डाल दिया। यहां तक को दिक्कत? ठीक, अब देखिए आप एक बार समीकरण तीन में अगर गौर से देखें हम, तो आर डैश आ रहा है, उसके नीचे एच सी आ रहा है, ऊपर हमने कहा कि आर डैश भी कॉन्स्टेंट है और एच और सी ये दोनों भी कॉन्स्टेंट है। एच क्या है, प्लांक नियतांक, सी क्या है, प्रकाश का वेग, तो कॉन्स्टेंट अपॉन कॉन्स्टेंट तो एक नया कॉन्स्टेंट आएगा, उसको हम कहते हैं रिडबर्ग नियतांक। क्या कहते हैं उसको हम, रिडबर्ग नियतांक। रिडबर्ग नाम का वैज्ञानिक था, उसने खोज की थी इसकी, तो क्या लिखा है उसको हमने, रिडबर्ग नियतांक। पढ़िए स्क्रीन पे लिखा है, यहाँ आर डैश अपॉन एच सी एक नियतांक है जिसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं तथा इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। अतः अगले स्टेप में आ गया इक्वेशन तीन से, वन अपॉन लैम्बडा आर डैश अपॉन एच सी की जगह सिंपल क्या कर दिया हमने, आर कर दिया, जेड की जगह जेड रही जाएगा और वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इक्वेशन नंबर चार यहां तक बन चुकी है, अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको यहां नहीं आएगी। नाउ वन अपॉन लैम्बडा तरंग दैर्ध्य का उल्टा है एक तरीके से ये, तो इसको नया नाम दिया गया, इसको कहा गया न्यू बार। वन अपॉन लैम्बडा इसको नया नाम दिया गया न्यू बार। याद रखिए न्यू बराबर तो सी अपॉन लैम्बडा होता है, लेकिन यहां पर सी नहीं है, सिर्फ वन अपॉन लैम्बडा है, तो इस वन अपॉन लैम्बडा को न्यू बार कहा गया। क्या कहा गया, न्यू बार। और इसे हम कहते हैं तरंग संख्या, क्या नाम है इसका, तरंग संख्या, वेव नंबर कहते हैं इसको। तो स्टेप देखिए अगला, इसमें लिखा हुआ है वन अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू न्यू बार इक्वल्स टू तरंग संख्या, यानी कि अतः समीकरण चार से वन अपॉन लैम्बडा की जगह न्यू बार आ गया, आर जेड डैस स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। अगले पेज पर आते हैं हम, क्योंकि हम सारी बात कर रहे हैं किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो जेड कितना होगा उसके लिए, वन हो जाएगा। अगर जेड इक्वल्स टू वन है तो फिर अब इसने जो फॉर्मूला है वो लिखा है लैम्बडा के रूप में, तो या तो आप वन अपॉन लैम्बडा लिखें या आप लिखें न्यू बार, एक ही बात है। ठीक है, तो वन अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू आर, फिर आ रहा है जेड स्क्वायर, तो वो नहीं आएगा इस बार, क्योंकि तो जेड कितना हो गया, एक हो गया, वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। ये हमारा हो गया फाइनल सूत्र, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पिछले साल, वहाँ इसको व्युत्पन्न नहीं करते, डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ आपको ये समझा दिया मैंने। तो ये आपको सूत्र याद रखना है, वन अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आर क्या है बताइए सर, यहाँ पर आर है रिडबर्ग नियतांक, आर क्या है, रिडबर्ग नियतांक। सूत्र क्या था उसका, आर इज इक्वल्स टू आर डैश अपॉन एच सी, आर डैश अपॉन एच सी। हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको हल करने में पूरे को 1.097 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, इसका आंकिक मान होता है आर का 1.097 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हुआ यहाँ पर पूरा। अब एक महत्वपूर्ण नोट लिखा हुआ है, इसको आपको ढंग से पढ़ना है। देखो रिडबर्ग नियतांक जो होता है उसकी वैल्यू, आंकिक मान तो उसका होता है
1.097 10^7 मात्रक होता है मीटर इनवर्स, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ये क्या होता है कि आर के रूप में काम नहीं आता, ज्यादातर ये आर के रूप में काम नहीं आता, ये 1/r के रूप में काम आता है। मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, समझ में आपके आएगा कि ज्यादातर जगह ये आर नहीं बल्कि 1/r के रूप में काम आता है। तो 1/r का मान, आर का मान तो ये हो गया, 1/r का मान डायरेक्ट याद रखना है आपको 912 एंगस्ट्रॉम। इससे फायदा ये मिलेगा हमको कि हमारा आंसर डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में आएगा और हमको बार बार गणना नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए आप याद रखें इस बात को, 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम होती है। थैंक यू।